टाटा नगर रेलवे पार्किंग ठेकेदार नीरज दुबे पर फायरिंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी उस समय की गई जब वे पुलिस की लगातार छापेमारी के बाद आत्मसमर्पण करने जा रहे थे, जहां जीआरएफ को सूचना मिली कि तीनों जुबली पार्क के पास एक साथ है। इसके बाद रेल SP ऋषभ झा के निर्देश पर GRP थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी और अन्य पुलिस की टीम ने तीनों को घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें GRF लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर गिरफ्तार युवकों की बात करें तो सिकंदर, आशुतोष और रोहित शर्मा को GRP ने गिरफ्तार किया है। इधर आपको बता दें कि फायरिंग में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल अभी तक बरामद नहीं हो सका है। वही रविवार को नीरज दुबे को TMS से छुट्टी मिल गई है। इधर पुलिस के अनुसार 3 युवकों में गिरफ्तार मोहम्मद सिकंदर पूर्व में बागबड़ा में कन्हैया सिंह पर फायरिंग के मामले में जेल गया था। इस मामले में संतोष सिंह समेत अन्य नामजद आरोपी आदित्यपुर निवासी राजा सिंह, विशाल सिंह, गोलू यादव और सिंटू सिंह की तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही गाड़ाबासा से कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर नीरज पर फायरिंग के बाद एक बार फिर ठेकेदारी को लेकर रेलवे में टकराव की आशंका बनने लगी है। जैसा कि आपको पता है, पहले भी रेलवे ठेका मैनेज करने को लेकर रेलवे ठेकेदार विजय पांडे की हत्या कर दी गई थी। इधर पूरी घटना की बात करें तो शुक्रवार यानी 19 मई की रात को टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास नीरज दुबे के साथ कुछ लोग बकझक कर रहे थे, जिसके बाद युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज दुबे को गोली मार दी थी। हमले के बाद नीरज दुबे पूरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें TMH में भर्ती कराया गया था और रविवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।